जय जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार जबरदस्त वीडियो में। आज हम तीनों भाई आपके लिए लेकर आए हैं बहुत जबरदस्त खबर। अगले महीने 4 तारीख को ग्लेज दिल्ली के बहुत बड़े शानदार जगह पर मनाने जा रहा है अपनी 19वीं वर्षगांठ। दोस्तों 4 जनवरी को स्वागत है आप सभी का दिल्ली आए एनिवर्सरी के प्रोग्राम में। साथ के साथ अभी तक के जितने विजेता हैं वो भी उस प्रोग्राम के अंदर आएंगे, जिन्हें मंच पे सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो टीवी अचीवर हैं, वॉशिंग मशीन अचीवर्स हैं, या माइक्रोवेव अचीवर्स हैं, या जिन्होंने पहले मोबाइल का अचीवमेंट्स किया है, टैबलेट अचीवमेंट्स किया है, सब लोगों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत बड़े लेवल पर जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, मिस नहीं करना है, एक एक लीडर को दिल्ली में पहुंचाना है। दोस्तों एक बात साथ में बोलूंगा, इस महीने जितने भी हमारे पीडी लीडर्स हैं जो इस महीने ईडी प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे हैं, पहले से दिल्ली आने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ईडी प्रमोशन लेंगे तो आपको दिल्ली में एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, एक बहुत बड़े शानदार बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे वो जबरदस्त प्रोग्राम को अटेंड करने का। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से बात था, आगे की बात राजेश मोदी भैया करेंगे। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों सर की बात को सुने आप लोग कि हम लोग मनाने जा रहे कंपनी की 19वीं वर्षगांठ दिल्ली में, तो आप सब लोग हो जाइए तैयार और जल्द से आइए। दोस्तों मिलके मनाते हैं सब लोग 19वीं वर्षगांठ। दोस्तों मैंने आपको याद दिलाया था कि आप सब आने के ध्यान रखेंगे, 3 तारीख को आप लोगों को यहाँ पहुंचना है, 3 तारीख पहुंचना है, आराम करना है, और 4 तारीख को हम लोग मिल करके पूरी जोश जुनून के साथ एनिवर्सरी फंक्शन मनाएंगे 19वीं वर्षगांठ। तो याद दिला रहा हूं दोस्तों कि आप सब लोगों का, जैसे मैंने पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, दोबारा रिमाइंडर दिला रहे हैं कि आप सब लोग 10 बजे 4 तारीख को प्रोग्राम में आएंगे और 5 बजे के बाद जाएंगे, तो यानी 6 बजे के बाद आप लोग टिकट वापसी का बना लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों और हम लोग मिलके करते हैं 19वीं वर्षगांठ का धमाके 4 जनवरी 2023 को। नमस्कार दोस्तों। दोस्त मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लीडर हैं। जब हम भागलपुर लेके गए थे फ्रेंचाइजी को, यानी ऑफिस जब वहां पे खोले थे, तो मेरा ज्यादा सेल नहीं हो रहा था, 3, 4, 5, 6 यही हो रहा था। सिर्फ राजू भाई SD बना था मेरे टीम में, और टोटल मिला के टीम मात्र 65 हुआ था मेरा टोटल। वो 65 के 65 लोगों को हम लेके आए थे दिल्ली, जो फंक्शन हुआ था, रात में रुकवाए, सारा व्यवस्था किए थे, पॉकेट से खर्च किए थे दोस्त, और कुछ लोगों को बोले थे जितना है उतना आप लोग भी दो, क्योंकि ग्लोबल डायमंड हमको बनना था और लोगों को नीचे डायमंड बनाना था। इसके लिए दोस्त पैसा लगाना होता है, इसीलिए पैसा का कंजूसी कभी नहीं करना है। वो बोलते हैं ना कि बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, जब आप पैसा लगाओगे दोस्त तो आप जल्दी से जल्दी डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनोगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या, वही मैसेज आपके डाउनलाइन में जाएगा, जैसे हमने लेकर आया वही मैसेज राजू भाई गया, सनमोल में गया, सुभद्रा माता जी में गया, उधर मुद्रिका गोप जी में गया, यानी सारा मैसेज वही गया। तो दोस्त मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी लोग अपना अपना लीडर को, और जो अच्छा अच्छा लड़का है, पता नहीं कौन आदमी ग्लोबल डायमंड आपके टीम में बन जाएगा, आपको सबको कोशिश करना है लेके आने का, जो कि ईडी लेवल से सब ऊपर एबव का, मतलब ईडी लेवल से ऊपर जो भी है सब लोग आ सकते हैं। तो दोस्त भूलना नहीं, वो बोलते हैं जो भूलेगा जो झूलेगा, हमने भूले थे इसीलिए आज हम यहां हैं। जो भूल गया पैसा कंजूसी किया वो झूल रहा था, बहुत दिन झूला, तो जो वो बोलते जो भूलेगा जो झूलेगा। तो दोस्त सबने अपना अपना टीम को लेके आना है, उसके बाद तहलका मचा देना है, एक एक साल में जितना लोग आएगा ये लक्ष्य बन जाएगा उसका कि हमको RD बनना है, डायमंड बनना है, ग्लोबल डायमंड बनना है, यानी कि हर चीज में बनना है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो जनार्दन भैया ने बात कही गौर कीजिएगा, शुरुआत में 65 लोगों को लेकर आए थे ऐसे ही एक प्रोग्राम में, और आज वो 65 लोगों की टीम 65 लाख से ज्यादा
बड़े नेटवर्क में पूरे इंडिया में बन चुका है। तो दोस्तों उस बड़े विजन के साथ ही अपनी टीम को लेकर आए थे। एनिवर्सरी का प्रोग्राम लोगों को कहते ना उसके विजन को बहुत बड़ा कर देता है। भैया अपनी बातों से ये बताना चाह रहे थे। वहीं राजेश मोदी भैया ने आपको जो 3 तारीख की बात याद दिलाई, क्योंकि कोहरा है, फॉग है, प्रोग्राम है 4 तारीख को, लेकिन अगर आप 4 तारीख को आने के लिए सोचेंगे तो हो सकता है प्रोग्राम खत्म हो जाए तब आप पहुंचे, क्योंकि ट्रेन ठंड में 5 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भी लेट हो सकता है। तो आज इस बात को दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी आना है यहां तक पहुंचना है, और वो सारे पीढ़ी तैयारी कर लीजिए, सारे पीढ़ी जो इस महीने ईडी बनने जा रहे हैं अपनी अपलाइन को बोल दीजिए सर मुझे जाना है, क्योंकि ईडी बनेंगे तो ही अचीवर्स इसके अंदर आ पाएंगे आप, याद रख लीजिए। तो आइए मिलके करते हैं जबरदस्त धमाल 19वीं वर्षगांठ का। धन्यवाद। जय गेलो।